इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लीगल पाठशाला। आज हम करने वाले हैं, आज हमारी सेवेंथ क्लास है ना, और कितना इम्पोर्टेंट ये क्लासेस चल रही है आप सब जानते ही हैं। तो आज भी कुछ अलग और शानदार तरह के क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, सूर्या सर अंडरस्कोर इंग्लिश, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे क्या है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे सारी चीजें आपको डिटेल्स मिल जाती है। और अब हम सबसे पहले क्लास पे स्टार्ट करते हैं। राइट जी, राधे राधे। हाँ, जय श्री राम, जय माता दी। ओके, हाँ थोड़ा सा एक मिनट का इंतजार कर लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। और बताएं कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जेलो की। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। पिचहत्तर में से 75 चाहिए। हाँ बिल्कुल, तबीयत परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, अभी अभी भिजवाते हैं ना। चलिए इसका आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। ही डिड नॉट नो डैश टू से देन। ठीक है, उसको नहीं पता कि अब उसको क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। अब क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल सा बता दीजिए भाई। He did not know. बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ what to say then। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, what to say then। अच्छा, अभी तो वो जो JLO का जो पैटर्न है ना, हाँ जो 5 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं कल क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ अंदर बात करके फिर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर फ्लाइट वॉज डिलेड डैश मेंट वी हैड टू वेट फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। यानी कि जो हमारी फ्लाइट डिले हो गई, इसका मतलब ये है कि हमको घंटों तक एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि फ्लाइट डिले हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। देखिए इसका आंसर क्या है। हाँ देखो, इसका जो सही सही है ना वो है विच। ठीक है, हाँ, या फिर आप क्या है, विच की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन तो विच आएगा। हाँ, हिंदी गोल्डन बुक, हिंदी की गोल्डन बुक, रुकिए। ये देखिए आप, ये वाली ले लीजिए। ठीक है, ये देखो गोल्डन की किताब मिल गई यहाँ पे, है ना। हाँ ये आप कर सकते हैं, 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास सब में एक ही है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, डेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्स डैश आई सेलेक्टेड वन द रेस यस्टरडे। फटाफट बताए। हाँ हाँ राघव प्रकाश लो, कोई भी लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किताब तो किताब है। ठीक है जी, इंग्लिश तो परफेक्ट, इसमें इसके बाहर से नहीं जाएगा। हाँ मैंने आपको कल भी बताया था कि जब लिविंग पर्सन की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और जब नॉन लिविंग थिंग या एनिमल की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो जो घोड़ा हमने कल सेलेक्ट किया था उसने क्या है, रेस जीत ली थी, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आंसर बोल दिया था क्या, कोई बात नहीं। हाँ, दे विल
डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी विल आता है वो चेंज किस में हो जाएगा? विल बी, और विल बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का यही है, ठीक है? हाँ, जय श्री राम आशा भाई। पैसिव वॉइस का यही सीन है कि विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, द एंटायर ब्लॉक विल बी, कहाँ है ये? इसका आंसर डी हो गया, द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, एलडीसी की जो आती है उसमें से भी पढ़ लो, लक्ष्य वाली किताब तो अच्छी है जी, उससे पढ़ सकते हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी। देखो, माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इज कुकिंग हमारा वर्ब है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर मी लिखा हुआ है लास्ट में, तो उसको लास्ट में ही रखो, ठीक है? चेक करते हैं। फूड, फूड अनकाउंटेबल है तो उसके साथ इज आएगा। आईएनजी फॉर्म, अगर कुकिंग है तो बींग कुक्ड, ठीक है, रीडिंग है तो बींग रेड, ईटिंग है तो बींग ईटन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फूड इज बींग कुक्ड बाय माई मदर। इसका आंसर ये हो गया। सर आप इंडिविजुअली करवा दो इंग्लिश प्लीज, आपके चक्कर में पूरा बैच नहीं खरीदना चाहते प्लीज। जी, इंग्लिश की अलग से क्लास है और उसमें 100 स्टूडेंट्स का भी नहीं है, वो 100 स्टूडेंट से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का बिल्कुल सेपरेट बैच है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, फटाफट बताए इसका आंसर क्या है? आई डोंट प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? जी नरेश, टेलीग्राम लिमिटलेस, एक बार टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मैं बता दूंगा आपको, है ना? तो क्या हो जाए, अरे ये कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया, रुको। हाँ ये रहा, तो क्रिकेट, क्रिकेट के साथ सिंगुलर इज, हाँ नेगेटिव है तो नॉट प्लेड बाय मी, ठीक है? एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समझिएगा। एक एक्टिव पैसिव है, हाँ, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को जो मैं लिख रहा हूं। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है? सर व्हाई वॉज देयर नो करंट अफेयर्स क्लास टुडे? आपको बताया ना, वो तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है? कल होगा मेरी क्लास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, ठीक है? एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हर बार लगेगी, सिंपल सी बात है, ये फिक्स ध्यान रखिएगा। मॉडल वर्ब और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, मॉडल वर्ब के क्वेश्चन होंगे सैटरडे को, ठीक है? हाँ, और फ्रेजल वर्ब्स के, अच्छा सॉरी, ये फ्राइडे को है। मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन फ्राइडे को होंगे और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस और ईडियम्स के क्वेश्चन, जो स्पेशल क्लास होगी वो सैटरडे को होंगे। डेट एक्चुअली फिक्स करी हुई है ना, तो उसको चेंज नहीं कर सकता, स्ट्रेटेजी पूरे नंबर लाने की है इसीलिए, राइट? काव्या डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, अगर ये किसी ने गलत किया तो देख लेना, फिर डांट पड़ेगी। काव्या डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी। और एक और अनाउंसमेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, ठीक है, उसके 5 मिनट में
करण सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि सर 6:15 सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक। देखो यहां पे क्या करना है, इसको उल्टा कर रहा हूं, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको चेंज कर रहा है मैंने क्वेश्चन को, मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक। यस सर, पता है। वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनिका हैड बीन प्लानिंग सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक हैज परचेस्ड अ न्यू लैपटॉप। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेंस बताना है कौन सा। इस बार जेएलओ के अंदर दो क्वेश्चन आने की संभावना है टेंस की, और वो बता देता हूं मैं, एक पास्ट सिंपल आएगा और एक प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब मुझे ये मत पूछना कि आपको कैसे पता, ठीक है? हाँ, निक हैज परचेस्ड अ न्यू लैपटॉप। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गए, बिल्कुल सही है। हाँ, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हेन शैल अवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। इसका टेंस बताना है, शैल है शैल, ठीक है? हाँ, और ये पैसिव वॉइस में है। शैल के साथ बी आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? फ्यूचर इनडेफिनेट। फ्यूचर इनडेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस है ये, ठीक है? अगर कहीं पे शैल हैव लिखा आता है, सर मैं कमेंट की तरफ से आईज क्लोज करके आंसर देती हूं, ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है, अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, शैल हैव आता है तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन यहां शैल भी है तो फ्यूचर सिंपल हो गया। नेक्स्ट, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। ठीक है, जस्ट पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया, वो कौन सा टेंस है? ना ना, टेंस से नहीं, वो टेंस पहचानने का दो क्वेश्चन कि टेंस बताओ। इसका आंसर क्या हो गया? पास्ट इनडेफिनेट टेंस। क्या बात है, शानदार, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड। इसमें हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब क्या होगा? सी कैसे होगा बताते हैं, रुको। सी कैसे होगा? पास्ट में कोई चीज खत्म हो चुकी, चाहे वो 1 सेकंड पहले हो चाहे 10 सेकंड पहले, हमेशा पास्ट सिंपल होता है। हाँ, इसको पास्ट में बदलना हैड बीन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड धनुश्री एंड निकिता, वेरी गुड। रामकुमार टेलीग्राम पे मैसेज करिए इसका। जी, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, विक्रम हैड डन हिज जॉब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिड यू फिनिश द गेम। आपने गेम को कब फिनिश किया?
अच्छा बी और डी सेम है। हाँ तो बी और डी आंसर। बोनस 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 मिलेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। ये कल सबने गलत किया था, इसको सही करो। हो सकता है अरमान, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट आई हैड। हाँ अभी अभी अपलोड करवा देंगे, है ना? बिल्कुल अभी अपलोड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यही वो क्वेश्चन है जो परेशान करता है। फटाफट बताए, जल्दी से बताए इसका आंसर। टेलीग्राम आईडी है सूर्या सर अंडरस्कोर इंग्लिश। आशीष वो आदमी है जिसका लड़का स्कॉलरशिप जीता था, तो क्या हो जाएगा? डैश डज योर सिस्टर लिव, आपकी सिस्टर कहाँ रहती है? आपको एक बात बताऊं मैं, 3-4 दिन से मुझे जो कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, सुनना। हाँ ये जो सामने मुझे दिख रहे हैं, ये वो कैंडिडेट है जो बहुत ही मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स है, ठीक है? और इन लोगों का, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, आजकल समझ लीजिए जैसे मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसमें से 9 सही जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो एक मेरे लिए इन सब थम्सअप प्लीज दे दीजिए एक, ठीक है? मैं भी थम्सअप देना चाहता हूं। हम सब वाला सिर्फ इमोजी नहीं आ रहा है जी, मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है? मैं भी आप लोगों के लिए ये वाला इमोजी, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, क्योंकि तुम सब जो है यहाँ पे एग्जाम के अंदर, हाँ जेएलओ का पेपर अच्छा होगा, देख लेना, बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है? डैश टीचेस यू संस्कृत, क्या बात है, आज लग रहा है कि हाँ पार हो गया काम जी। ना ना बहुत बढ़िया है बलविंदर, बहुत बढ़िया जी। बीटेक वाले नहीं दे सकते, बीटेक वाले नहीं दे सकते, एलएलबी वाले ही दे सकते हैं। हाँ। Who teaches you संस्कृत? जी बिल्कुल मयूर व्यास, वापस एक बार याद दिलाना, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है? हाँ Who teaches you संस्कृत? ऑप्शन नंबर सी। वी वेंट टू रंजनास पार्टी, हम रंजना की पार्टी में गए जहां हमने बहुत इंजॉय किया था। एक सीट पर 500 है सर जी, बिल्कुल। सेलेक्शन होना नहीं होना उससे कुछ नहीं होता जी, सेलेक्शन देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, और ये सब हमारा बेस बन रहा है आरजेएस के लिए, ध्यान रखिएगा। और जो भी अदर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हम गए थे रंजना की पार्टी में जहां हमने बहुत इंजॉय किया, तो वेयर वी इंजॉयड वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। डैश बुक डू यू लाइक? हाँ बहुत बढ़िया जी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 500 हो या 1000, 140 में से एक सीट लानी है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसको इस पॉजिटिविटी की ही मैं तलाश में था। हाँ आपका नाम पढ़ना भूल गया, एक बार वापस हाय जरूर करिएगा जी।
विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक तुमको पसंद है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम है नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब क्या होता है? ओहो वेरी गुड, शताश्ती दीक्षित, बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ एडवोकेट प्रमिल, आपकी वजह से ही हुआ है ये सब। हाँ नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है हार्डली एनीथिंग। ऑप्शन नंबर ए हार्डली एनीथिंग, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस, यानी कि सब कुछ अच्छा हो, फुल ऑफ जॉय, क्या होता है फुल ऑफ जॉय, हर चीज अच्छी हो, बेड ऑफ रोजेस, एवरीवन वांट्स बेड ऑफ रोजेस इन देयर लाइफ, बिल्कुल। लेकिन लाइफ तो आपको पता ही है, उतार चढ़ाव, और जो जुडिशरी की या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेता है तो उसके तो डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, और सिलेक्शन होते ही राजा अपुनिज है, सही बात है ना, है कि नहीं? कितना ही डाउनफॉल हो, एक बार सिलेक्शन चाहिए, एक सीट आने का मतलब क्या होता है, राजा रानी सब अपनी है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज डैश द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो। सफलता वक्त मानती है, आज सारे के सारे जो, हाँ मोटिवेटर ही घुसे हैं आज अपनी क्लास के अंदर, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है, राइट? तो देखो अगला प्लीज बोल रहा है, तो प्लीज का मतलब क्या होता है कि नहीं? टर्न डाउन ही होगा ना। हाँ वैसे तो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो इसको बोनस ही मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर टर्न अप भी तो हो सकता है, क्या पता किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही हो जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो आपको हमेशा से ही बोलता हूं कि जिस दिन आपने कंपटीशन एग्जाम में उतरने का सोचा, इसका मतलब क्या है, आपने छलांग लगा दी। अब यहां तो बाहर निकलोगे या फिर बैठे रह जाओगे। आवर नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर डैश 1995। इतना प्रतिशत चांस है ये वाला क्वेश्चन आने का? सेम, देखो ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना प्लीज, सिंस ही लगेगा, कितने भी साल हो सिंस लगेगा जी। अब देखो यहां पे, अगर यहां लिखा हुआ होता डैश 20 ईयर्स तो क्या लगाते, फटाफट बताओ। लास्ट ईयर आपके 14 नंबर आए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आरजेएस की बात कर रहे हैं ना, जेएलओ की नहीं कर रहे जी। जब 20 साल होगा तो क्या लगाएंगे, 4, लेकिन जब ईयर दे दिया तो क्या लगाएंगे, सेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी इज रिच डैश, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है रेलो में 15 नंबर ही आए क्या आपके? लेकिन उस समय मैं पढ़ाता नहीं था ना आप। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव मैरी इज रिच, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट, और मैरी क्योंकि गर्ल है तो क्या लगेगा, शी। ऑप्शन नंबर,
अच्छा मेरी बात सुनो, देखो कल वाली क्लास ध्यान से सुनना। आज 18 तारीख है, 19, 20 और 21 ये क्लासेस लेनी कंपलसरी है। जी मैं ही कराऊंगा आरजेएस की, ठीक है? ये वाली जो है लेनी कंपलसरी है, 19, 20 और 21 की क्लास, ठीक है? बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं एक सीरीज लेके आऊंगा 500 क्वेश्चन एमसीक्यू की, जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बस ये कल की तीन क्लासेस प्लीज मिस मत करिएगा। समझ लीजिए इस क्लास के अंदर मैं सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है? तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक इसका मतलब समझा देता हूं मैं, यही 9:15 ही क्लास रहेगी। हाँ, इसी पे 9:15। जी हिंदी भी? हाँ, ना ना, लास्ट थ्री क्लास नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, चाहे डीजेएस हो, चाहे एमपीसीजे हो, चाहे यूपीपीसीएसजे हो, चाहे बीजेएस हो, चाहे आरजेएस हो, मैं एग्जाम के एक दिन तक आपके साथ रहता हूँ, उसके बाद फिर गायब हो जाता हूँ। तो अभी भी एग्जाम तक साथ में ही हूं मैं। जब तक आप मेहनत करोगे तब तक मैं हूंगा। अब ये जो चीज समझा रहा हूं वो समझ लो, जिसको क्वेश्चन टैग नहीं पता है वो देख लीजिए। हाँ, 9:15 यही यही। ही इज गोइंग होम, ही इज नॉट गोइंग होम। ही इज गोइंग होम का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इजंट ही। और नेगेटिव है उसके साथ क्या हो जाएगा? इज, ठीक है? इस तरह से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय ब्रदर्स डैश अ मिनिस्टर। हाँ सर, माय आंसर इज सो आई एम राइट। बिल्कुल सही। वन ऑफ माई ब्रदर्स अच्छा हाँ जी, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो आरजेएस के टाइम, मेंस के टाइम आए थे ना, जो स्टूडेंट, वो सब मेरे को देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो गया? हाँ बोले सर वो एज इट इज आए ऐसे इसीलिए। मैंने कहा थैंक यू जी। वन ऑफ माई ब्रदर्स इस, ठीक है, इस मिनिस्टर हैव आर वर प्लूरल है, प्लूरल का आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात तो मैं एक बार एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। छोटी सी एक बात है, आरजेएस का एग्जाम था अभी, पिछला जो एग्जाम अटेम्प्ट था, तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी बच्चों की, 15 से 16 दिन ली थी क्लास, ठीक है? 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के होते हैं। फिर जब आंसर की आई थी, सॉल्व कराने गया था, तो मैंने देखा कि मैंने तो 13-14 क्वेश्चन कराए, 13-14 दिन की क्लास ली थी, तो हाँ 14 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से आ गए, ऑप्शन भी चेंज नहीं। तो उस समय क्या है कि एकदम से आंखों के अंदर क्या है, थोड़ा सा आंसू टाइप आ गया था जी। कार के अंदर बैठा था, हाँ मेरी वाइफ के साथ में बैठा था मैं, तो मैंने जैसे ही देखा पेपर, तो 14 क्वेश्चन, मैंने कहा ये क्या सीन हो गया। फिर मैं गया वहां पे, फिर सब स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर थैंक यू सो मच, और बहुत सारे। फिर उसके बाद फिर अलग अलग एग्जाम्स आते गए, अपने क्वेश्चंस भी आते गए। अब जेएलओ की बारी है, चलो आगे बढ़ते हैं। माई ग्रांड फादर माई ग्रांड फादर डैश 10 ईयर्स अगो, अगो लिखा है। देखो जब कभी अगो लिखा हुआ आए, लास्ट ईयर लिखा हुआ आए, अरे समझाने तो दो, पहले ही आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, ये तो गलत बात है ना।
अगो लिखा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा है, इंडिया बेस्ट ऐसे राइटिंग कराऊंगा मैं जी। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब पिक्स है जी। लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे हो गया, है ना, डे बिफोर यस्टरडे हो गया। इन सब में हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल लगता है जी। ज्यादा समझदार हो गए तुम लोग। हाँ, इसका आंसर है बी जी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी कैन प्ले डैश वेरी वेल। आंसर निकलने वाला था जी नरेश, 9:15 ही होती है क्लास का टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है इस क्वेश्चन के पीछे, हाँ, इस क्वेश्चन के पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। मैं सबको बताता कि इसका आंसर ए है, लेकिन ए आंसर नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सब स्टूडेंट तक ये बात मेरा पहुंचाने का काम है। हाँ, इसका आंसर है ये, शी कैन प्ले द वॉयलन वेरी वेल। तो इससे हमको पता चलता है कि स्टूडेंट भी, हाँ, जो है बहुत कुछ सिखाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आप लोग ये नहीं भूलोगे ये कभी। सो वी हैव टू क्लियर आवर एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। यानी कि कुछ भी हो जाए हमको तो क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक एग्जाम को फोड़ना ही है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है, बाय एनी मीन्स, ऑप्शन नंबर ए, बाय एनी मीन्स, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? हाँ, वही साम दाम दंड भेद। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स भी हो तो बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। वहां एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, सारे लोग 12 करेंगे, सारे लोग 12, पर अपने स्टूडेंट 13 करेंगे। सबको बता दो कि हम सही पढ़ के आए हैं यहाँ पे, एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू कम क्लीन का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बार इसको समझा देता हूं, जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूं। देखो, वन डजन मतलब 12 यूनिट होता है, ठीक है। और बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। एक डजन में तो 12 यूनिट होते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि सर आज भांग पी के आए हैं। नो, मुझे भी पता है कि एक डजन में 12 यूनिट होता है, लेकिन जो बेकर का डजन होता है ना, उसमें 13 होता है। इसका मतलब है, ठीक है, कुछ वेस्ट हो जाता है इसीलिए। टू कम क्लीन का मतलब होता है, हाँ, टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। टू कम क्लीन मतलब कि एकदम सही सही डिस्क्लोजर दे देना, जो भी अपने कोर्ट के अंदर आते हैं ना लोग, ही हैज कम क्लीन। अरे बेकर होता है ना वो जो केक बनाता है, हाँ, जो केक आप बच स्टार्ट खरीद के लाते हो, जो पीछे का जो बेकर होता है, जो बेक करता है उसको, उसको कहते हैं बेकर। बिस्किट बनाने वाला भी बेकर ही होता है। हाँ, एट वंस विट्स एंड यहां पे लिख रहा हूं सेम, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है।
संभावना है, 100% की संभावना है। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग से डील कैसे करना है वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। एट वंस विट्स एंड का मतलब यहां होता है टू गेट पजल्ड, बिल्कुल पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये एक्चुअली डीजेएस लेवल का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन अब आ भी सकता है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब कोई एडवोकेट या लॉयर नहीं होता, ठीक है, हाँ, ये इडियम्स है, इसको मतलब होता है वापस से काउंटर आर्ग्यूमेंट देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्लासे मैं लेता हूं, क्लासेस जो लेता हूं मैं, इनका वापस आप पीडीएफ देखते भी हो या नहीं देखते हो? अगर आप इनका पीडीएफ वापस नहीं देखते हो तो फिर आप लोग बेवकूफ हो। हाँ, टीचर बिल्कुल बोल सकता है आप लोग बेवकूफ हो, क्योंकि अगर उसका वापस से रिवाइज नहीं हुआ, हाँ, तो फिर क्या मतलब, उसको फिर कहते हैं गई भैंस पानी में। हाँ लिखते हैं, बहुत बढ़िया है, हाँ जी, हाँ 2x का स्पीड कर सकते हो, वो जैसे भी करना, हाँ जी, मैं आपको बताता हूं उसका क्या होता है। हाँ जब हम कोई चीज देखते हैं, उसमें से समझ लो हमको, हमने 10 क्वेश्चन किए सूर्या सर की क्लास से, 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 6 सर आते हैं हमको, तो उन 6 पे ध्यान मत दो, उन 4 पे ध्यान दो जो नहीं आते हैं, उन 4 को नोट डाउन करो, अब तो आएगा मजा, ठीक है। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, और एक और बात बतानी है, वो भी बता ही देता हूं, चलो, हाँ 19, 20, 21 ये क्लास देख लेना, इस 21 तारीख के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी भी समय है, जेएलओ के स्टूडेंट सुन लो, हाँ जी, अभी भी स्टूडेंट है, अभी भी टाइम है कि जेएलओ का पेपर निकलवा सकते हैं अपन 19, 20, 31 में, ठीक है, पार लगा सकते हैं। 21 के बाद मैं नहीं बोलूंगा ये सब बातें कि पार नहीं लगा सकते। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब है टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, अभी मैंने ये कहा कि ये वाली क्लास लेनी बहुत जरूरी है, हाँ इस क्लास के जरिए मैं बहुत सारी चीजें और क्लियर करवा सकता हूं, इसके बाद फिर मैं नहीं करवा पाऊंगा, इसके बाद तो फिर रिवीजन ही चलेगा, समझ रहे हो, इसीलिए इसका मतलब है प्रेजेस हिमसेल्फ, जो खुद की ही तारीफ करता है, ऑप्शन नंबर डी। कल वाली क्लास का पीडीएफ अभी मैं अपलोड करवा दूंगा रात को। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, ठीक है, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, इसका मतलब होता है, हाँ बीच में टांग अड़ाई, तो प्रिवेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, डिस्ट्रॉयड द प्लांट नहीं, हाँ एग्जीक्यूट होने से पहले ही,
नेक्स्ट, ग्रीस समबडीज पाम, किसी की पाम को ग्रीस करना। हाँ फटाफट बताए, ग्रीस समबडीज पाम का मतलब क्या होता है? हाँ रिश्वत, रिश्वत देना, इसका मतलब क्या होता है? टू ब्राइब। बिल्कुल सही है, ग्रीस समबडीज पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल पाठशाला ऐप है, यहाँ पे फ्री कोर्सेस के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है। और ये वाली क्लास अब 6:15 पे नहीं, 10:15 पर होगी। कितनी बजे? 10:15 पे होगी। हाँ ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग मोटिवेशन अब मिडनाइट बनने वाला है जी। और अब आ गए हैं हिंदी के क्वेश्चन। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। सर हु वेयर वेन का यूज बता दो, हु वेयर वेन। ठीक है हाँ हु का मतलब तो कौन होता है, वेयर का मतलब कहाँ, और वेन का मतलब क्या होता है, कब। ठीक है, इनका मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जब हम कहाँ की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ की बात करते हैं तो किसी प्लेस के साथ आता है, ठीक है, प्लेस के साथ, तो वेयर लगाते हैं। हु हमेशा अ लिविंग पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के साथ हु आता है, राइट। और ये जो वैन है ना, ये हमेशा समय के लिए आता है, समय, टाइम। तो टाइम, प्लेस और पर्सन। और हुज को हिंदी में कहते हैं जिसका, जिसका। और हु का मतलब एक और होता है जो, ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। काम काज में कोरा होने का मतलब क्या होता है? काम न जानना, कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो 2 पेज वाली पीडीएफ नहीं मिल रही है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम पे जैसे ही मुझे भेजेंगे, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा जी। काम न जानना, काम काज में कोरा होना, बिना किसी, अज्ञानी लोग होते हैं ना, अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब होता है इग्नोरेंट। हाँ ये देखिए, आपके सामने एक लिंक आई है लीगल पाठशाला टेलीग्राम की, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इस पे भी वो वीडियो आ जाएगा अभी 15 मिनट में। हाँ वो तत्सम तद्भव वाली पीडीएफ जी। टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है जी? बाकी सब मुझको नहीं पता, मेरे को बहुत रोका गया क्लास लेने से, लेकिन मैं क्या है, टस से मस भी ना हुआ, और जो मैंने प्रॉमिस किया वो निभाया, और इसमें मेरा साथ सिर्फ एक ही जने ने दिया। ठीक है, करण सर ने तो दिया ही प्लेटफॉर्म, लेकिन भगवान ने साथ जरूर दिया कि वो प्रॉमिस जो स्टूडेंट से किया गया है उसको मैं पूरा कर पाया। ये बहुत बढ़िया बात होती, अपनी बातों से नहीं हटना, राइट। बिल्कुल हाँ, मैन ऑफ वर्ड्स, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप मैन ऑफ वर्ड्स बने, वेमेन ऑफ वर्ड्स भी है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया, अपनी बातों से नहीं हटना। टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है? टांग अड़ाना, पुट अ स्पोक इन व्हील, इसका मतलब भी यही होता है, टांग अड़ाना, रुकावट पैदा करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, रुकावट पैदा करना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हिंदी के मुहावरे भी बता दीजिए, यही तो है।
अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा तो पूरी जिंदगी देनी पड़ती है, नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हाँ जी, मैंने भी बचपन में ही पढ़े थे, आज फिर पढ़ने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। जी, आरजेएस के लिए बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अग्नि परीक्षा देने का मतलब होता है, गलती से ये मत कर देना आग में कूद जाना, है ना। इसका आंसर है बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका आंसर ए है या डी है? अब देखो, इसमें देखो, अब आप लोगों की हेल्प चाहिएगी मुझको। जी हाँ, अब इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। ए आंसर है या इसका डी है, फटाफट बताएं। इसका आंसर तो डी है। जी, इसका आंसर क्या है? डी है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। बिल्कुल, इसका आंसर डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। छाती पर मूंग दलना। ओहो, छाती पर क्यों मूंग दल रहे हो तुम, है कि नहीं? बहुत सारे, राइट। तो छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है? आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? छाती पर मूंग दलना, पास हो रहकर दुख देना। जी, पूरे दिन मोबाइल फोन का यूज करना, वो यही है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर मारना। देखो, जेलों के अंदर तुमको तीर मारना है, ठीक है? हाँ, तीर मारने को इंग्लिश में कहते हैं हिट द बुल्स आई। बुल्स आई, बुल्स आई क्या होता है? देखो, वो डार्ट्स वाला गेम होता है ना, बीच में मारना। हाँ, तीर मारने का मतलब होता है बड़ा काम करना। बिल्कुल सही, बड़ा काम। सी वाला ऑप्शन क्या होता है? मूंग की दाल बनाना। जी, कुछ हमारे भोले बच्चे स्टूडेंट जो होंगे वो शायद इस पे टिक करते हैं कि क्या पता छाती पर मूंग दलने का मतलब मूंग की दाल बनाना होता होगा। राइट जी, और ऐसे कहाँ है वो लोग, कितना अच्छा सोचने वाले लोग। नमक मिर्च लगाना। आजकल लोग नमक मिर्च बिल्कुल नहीं लगाते, नो, नमक मिर्च वाले लोग है ही नहीं आजकल। नमक मिर्च के साथ टोमेटो सॉस और चीज डाल के बताते हैं। जी सर, आप मुझ बेचारी का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैसेज ऊपर चला गया, वापस भेज दीजिए। ठीक है, नमक मिर्च लगाने का मतलब खाने में नमक और मिर्च डालना तो नहीं होता, दुख को बड़ा देना भी नहीं होता। बड़ा चढ़ा कर कहना। बड़ा चढ़ा कर कहना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बड़ा चढ़ा के नहीं, घुमा फिरा के कहना, है ना। हाँ, घुमा फिरा के कहना है इसका आंसर। जी जी इसका आंसर क्या है? घुमा फिरा के कहना। परफेक्ट, कहाँ गया ये। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी मेरी क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद करण सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? क्या करण सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी? इसको वापस चेक करके कल बता दूंगा मैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं अपन अभी, राइट? हाँ, इसका वापस मैं कल बता दूंगा आपको। मुझे भी यही लग रहा है, बड़ा चढ़ा कर कहना नमक मिर्च लगाने का। बी ही होगा, बिल्कुल, बी इज राइट आंसर।
अच्छा अब देखो, कल वाली क्लास 19, 20 और 21, ठीक है, 19, 20 और 21 जो है यहाँ पे वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं आपको बता देता हूँ, क्लास थोड़ी सी 8 या 9 मिनट लंबी हो सकती है, क्लास 8 या 9 मिनट्स लंबी हो सकती है, ठीक है, राइट। चलो फिर तो मिलते हैं हम कल फिर से। जी, थैंक यू, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।